दोस्तों आज हमारे पास है पारलाइट स्टेज लाइट बिग डीपर का एलपीसी 007H और यहाँ पर दोस्तों इसके हम करेंगे अनबॉक्सिंग और साथ में इसका जानेंगे प्राइस, इसका मार्केट में क्या प्राइस है, आपको फिक्स प्राइस बताने वाले, तो वीडियोस को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना और यहाँ पर हमें क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इसकी लाइटिंग कैसी है, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और आपको हम टेस्टिंग भी दिखाएंगे, टेस्टिंग को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, टेस्टिंग बहुत ही कमाल की होने वाली है यहाँ पर इस लाइट की। तो चलिए बिना देर करते हुए हम इसके करते हैं अनबॉक्सिंग और लेट्स गो स्टार्ट। और चैनल हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अनबॉक्सिंग की बात करें तो हमारे पास एक है ब्लेड और ब्लेड से हम इस साइड को हम काट देंगे और काटने के बाद यहाँ पे खुल गया है और इस साइड को भी हम ब्लेड से काट देंगे। अब काटने के बाद दोस्तों इसको हम ओपन करेंगे और जैसा कि दोस्तों यहाँ पर भी आपको ब्लेड से बीच में भी आपको कट करना पड़ेगा। इसका जो टैप है, इसका जो टैप होता है बिग डीपर का, तो यहाँ पर बिग डीपर लिखकर इसकी टैपिंग भी होगी। तो यहाँ पर हम अनबॉक्सिंग करते हैं और अनबॉक्सिंग में क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगी ये भी आपको हम दिखाते हैं। ये आपको इजीली एक फॉर्म देखने को मिल जाता है और जो कि यहाँ पर सेफ्टी के लिए, और ये रही हमारी पारलाइट और पारलाइट में हैंडल है। हैंडल जो है इसके काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छा है। एक ये हैंडल है और दूसरी हम बात करते हैं, एक और यहाँ पर हैंडल है, यहाँ पर कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर हमारी आ जाती है ये पारलाइट, जो कि ये हमारी पारलाइट है। और फिलहाल अभी हम आपको हम ओपन करके दिखाते हैं ये पारलाइट और साथ में यहाँ पर आपको कुछ मॉडल नंबर, इसके स्पेसिफिकेशंस, इनके कौन कौन से मॉडल नंबर आते हैं ये भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक देते हैं और ये दो साइड के जो हमारे होते हैं कसने के लिए नट बोल्ट बोल सकते हो आप। और इसको चलिए ओपन करते हैं पारलाइट को, यहाँ पर आप देख सकते हो इसको हम करेंगे ओपन और ये फोर वायर में है। और चलिए आपको हम दिखाते हैं, तो हमने इस पॉलीथिन को हटा दिया। हटाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी पारलाइट है LPC 007H, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर बात करते हैं ये लाइटिंग की, तो लाइट भी काफ़ी अच्छी है और इसके जो नट बोल्ट है काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके हम बैक लुक की, यहाँ पर बैक में आप देख सकते हो, तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि ये लाइट खुली है या नहीं। यहाँ पर स्टिकर लगाया गया है और यहाँ पर बारकोड, इससे ओरिजिनल और लोकल की पहचान कर सकते हो। और हमारी ये फोर वायर है और इसको हम अभी टेस्ट भी करेंगे, इसकी टेस्टिंग कैसे होने वाली ये भी आपको दिखाते हैं। इसको हम खोलते हैं और खोलने के बाद अभी आपको इसमें प्राइस भी आपको देखने को मिलेगा, इसका प्राइस क्या है मार्केट में, ठीक है। तो वीडियोज़ को पूरा देखना और कहीं पर भी मैं प्राइस बता सकता हूँ। ये DMX के लिए हमारा हो जाता है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, वो ये DMX के लिए है। और ये हमारा DMX के लिए इन आउट के लिए है, मेल फीमेल। और उसके लिए हमारा एक आ जाता है ये आपको प्लग, और ये हमारा हो जाता है प्लग, इससे मान लो इनपुट हो जाता है ये आउटपुट के लिए, ठीक है भैया। अब चलिए हम टेस्टिंग के लिए भी चलते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ये पारलाइट दिखती है। और साइड की बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक लोगो जैसा दिखेगा, यहाँ पर आपको www.bigdeeper, ठीक है, बिग डी पर laser.com देखने को मिल जाएगा इसके, ठीक है, इससे पता चल जाएगा ओरिजिनल है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है अंदर, ठीक है, ऐसे ही दिखता है कि भाई ये ओरिजिनल पारलाइट है। तो चलिए आप लोगों को हम थोड़ा सा दिखाते हैं टेस्टिंग, इसकी टेस्टिंग कैसे होने वाली है। रही हमारी पावर केबल, ठीक है, और यहाँ पर आप देखते हो हमने पावर बोर्ड में यहाँ पर लगा दिया, ये हमारी पारलाइट रेडी है। अभी तो फिलहाल मैंने बहुत सारी पारलाइट परचेज की है, बट मैंने सोचा एक पारलाइट को हम कनेक्ट करेंगे, एक पारलाइट दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो चलिए आपको हम दिखाते हैं, पहले तो हम रूम के जितने भी कमरे इनको लाइट है उनको ऑफ कर देते हैं। तो एक दो सब ऑफ कर दिया, अब हमारा रूम एकदम सा अंधेरा है। अब इसको हम करेंगे टेस्टिंग, तो हमारा जो इसको हम ऑन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कलर की बात करें तो अभी आपको कलर दिखाते हैं। कलर यहाँ पर कौन कौन से कलर आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 8 कलर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा पहला कलर, ये रेड दूसरा कलर हो गया, और ये हमारा तीसरा कलर ग्रीन, जो कि आप देख सकते हो ये हमारा चौथा कलर भाई, और ये हमारा रहा पांचवा कलर, और उसके बाद हमारा आ जाता है ये है हमारा छठवां कलर, ये है सातवां कलर, ये है आठवां कलर। यहाँ पर आपको इतने सारे कलर्स देखने को मिल जाते हैं और 8 कलर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो CL, ठीक है, तो 8 कलर इसमें इजीली देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छा इसमें कलर भी देखने को मिल जाएगा कलर इफेक्ट का।
तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैंने दिखा दी इसकी टेस्टिंग और काफ़ी सारे आपको मॉडल्स इसके मॉडल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम मेनू बात करें, यहाँ पर मेनू सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटो है, ऑटो में आपको ऐसे कलर देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हो इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और उसके बाद हमारा आ जाता है ये कलर ऐसे में, दूसरा हमारा ऐसा, तीसरा हमारा ये आ जाता है और चौथा भाई आपको हम दिखाते हैं एक मिनट, तीसरे में आपको हम दिखाएंगे यहाँ पर फ्लैश। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो अपने हिसाब से इसको फ्लैश ऑन कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर इसकी टेस्टिंग और इसकी क्वालिटी, इसकी क्वालिटी कैसी है अगर हम अपने हिसाब से बताएं तो इसकी क्वालिटी नंबर एक की थी, काफ़ी मुझे पसंद आई ये पार लाइट, मेरे जो पार लाइट थी उनसे अच्छी है पार लाइट और फोर एयर में है। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं इसके प्राइस रेंज की, तो ये आपको 2100 से लेकर 2200 में आपको मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको 2050 की भी आपको दे देंगे, वो आपके व्यवहार और आपके एरिया के हिसाब से कि आपको कितने में दे रहे हैं। आपको मैं बता दूं 2100 से 2200 में आपको हर मार्केट में मिल जाएगी, हर कहीं मिल जाएगी। अगर आपको उससे भी ज़्यादा ये दे रहे हैं पार्लेट तो समझ लो आप महंगी पा रहे हो। जहाँ तक कि मैं बात करूँ तो 2150 तक आप ले सकते हो इसको, आप बोल दो भाई 2150 की आप मुझे दीजिए, 2150 में चार जगह मिलती है, फिलहाल 2200 में भी देते हो तो 2200 में भी ले लो अगर नहीं मानते हैं तो। लेकिन आपको 2150 या 2100 या 2200 में आपको देखने को मिल जाएगा। हर मार्केट के प्राइस अलग अलग होते हैं, वो आपसे कितना ले रहा है वो उनके ऊपर डिपेंड है, वो कितना बचत ले रहा है। ठीक है, तो दोस्तों कैसे लिए टेस्टिंग और कैसे लिए वीडियो कमेंट करके जरूर बताना।